नमस्कार, आप देख रहे हैं त्रुत लाइफ न्यूज नेटवर्क। कुंडवा चैनपुर महंते सुरेश मस्ताना हत्याकांड में पप्पू यादव ने निशानेबाज अपराधियों को समाप्त करने का लिया शपथ। बीते दिन कुंडवा चैनपुर महंते सुरेश मस्ताना अपने घर पर खाना खाने के बाद सोए हुए थे। दोपहर बाइक सवार तीन अपराधी आए और सुरेश मस्ताना के सिर में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। इस पर जाप नेता पप्पू यादव ने कहा कि जब तक अपराधी पकड़ा नहीं जाता तब तक डीएसपी एसपी थाना अध्यक्ष सभी के नाक में दम कर देंगे। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि सुरेश मस्ताना से किसी का दुश्मनी भी नहीं था, जबकि उनके बड़े भाई का कहना है कुछ लोग मंदिर का महंत बनने के लिए उनसे तानातानी करते थे। त्रुत लाइव के लिए संवाददाता राम विनय कुमार की रिपोर्ट। इन 12 एमएलए के पास कितने पैसे हैं? आप इसको समझ दाम तान दियो तू टेंशन मत लो भाई। इसलिए जो महिला के लिए मारना काम वो चले पूरा फॉलो कर ले बारी हम चैनल पूरे के बारी वो इतना लाम बता आपको वहां से नहीं देख पाएगा। अरंडा कोले डाल रहा हूं जल्दी। इनकी संपत्ति की जांच कर लो। आखिर समाज में आम आदमी की इज्जत को समाज में भले आदमी की इज्जत क्यों नहीं? समाज में जो समाज की आवाज है उसकी इज्जत क्यों नहीं होती? कोई सरकार या ऐसे लोगों का आप इसको समझने घर छोड़ो यार। छत्ता लेके आए हुए और ध्यान से इस तस्वीर को देखिएगा। ऐसा कोई भी नेता बिहार का नहीं है जो मुझे नहीं लगता कि इस बारिश में भीगते हुए अपनी बात लोगों के पास तक पहुंचाए। पप्पू यादव इकलौता नेता है, वीडियो को ज्यादा